दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया जजमेंट राइटर की वैकेंसी के बारे में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ये वैकेंसी है जो कि 120 WBM की है, और आज हम बात करेंगे किस तरह से आप इस वैकेंसी के लिए जो भी एलिजिबल हैं वो कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। 10 ऐसी खास बातें, मतलब कुछ बेसिक भी हो सकती हैं लेकिन इम्पोर्टेंट सभी हैं, और एक एक चीज मैं अपने अनुभव के निचोड़ के हिसाब से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो अगर लंबा हो तो वीडियो के अंत तक टिके रहिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप शॉर्ट एंड लिख के उसको ट्रांसक्राइब करके इस तरह के एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत डीप जाना पड़ता है शॉर्ट एंड को लेके। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब 80 WPM का एग्जाम होता है तभी डर लगने लगता है, और 100 WPM हो, 110 हो तो और थोड़ा सा घबराहट बढ़ जाती है, और जब 120 WPM की बात आती है, 10 मिनट की डिक्टेशन लगातार 1200 वर्ड्स 5% परमिसिबल मिस्टेक के साथ 24 WPM की ट्रांसक्रिप्शन, तो कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, कितनी खास खास चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कितना अपनी शॉर्ट एंड में बदलाव लेके आना पड़ेगा, सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और आप ये समझिएगा कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है जिस भी एग्जाम की, वहां वहां उस तरह की वैकेंसी में उतने ही फॉर्म घटने लगते हैं। मतलब जैसे ही 120 WPM की बात होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को खुद पे डाउट आने लगता है कि 120 WPM मैं कर लूंगा, पॉसिबल नहीं है। अपने ऊपर जो डाउट है एक ये बहुत बड़ी, कहें कि देखिए आप अपियर हुए नहीं क्रैक हुआ डजंट मैटर, बट करने से पहले ही अपने ऊपर डाउट आने लगा, ये बहुत 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 बुरी बात है। और कुछ स्टूडेंट को अगर लगता हो कि 120 WPM ये तो कुछ भी नहीं है, ना तो आप अपना कॉन्फिडेंस गिराएं ना ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, एक न्यूट्रल मोड पे एक ऐसी तैयारी करें कि आपको सिलेक्शन मिल जाए। हमारा मकसद यही है ना कि हमें सिलेक्शन मिल जाए, तो फोकस उन चीजों पे करिए जिससे आपको सिलेक्शन मिल सकता है। ठीक है, तो बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिस पे मैंने बात शुरुआत में की आपसे कि बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम के बारे में सोचते हैं, जब आप 120 WPM के बारे में सोचते हैं, तो आपका माइंड उसी तरह से क्रिएटिविटी में आना चाहिए, उसी तरह से एक्टिविटी में आना चाहिए, उसी तरह की सोच को आप मतलब कन्वर्ट कर सके अपनी सोच को, जो भी आप सोच लेके चल रहे हैं कि मैं 100 का स्टूडेंट हूं, मैं 110 का हूं, या मैं 90 पे लिख पा रहा हूं। अभी आपके पास 4 to 6 मंथ्स हैं, आप इसमें कितना कमाल कर सकते हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा। मैं अपने अगर पर्सनल बात करूं कि जब मैंने इस एग्जाम की तैयारी की थी, एट दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो इन गवर्नमेंट जॉब, बट मन में एक पता नहीं एक जुनून सा आ गया कि ये जो बड़ी पोस्टें होती हैं इसमें क्या होता है, आखिर ये कैसी जॉब होती हैं। तो बड़े मतलब एक अंदर से ऐसा हुआ कि बस ये एग्जाम क्रैक करना है, दिन रात बस एक ही चीज दिमाग में रहती थी कि ये एग्जाम क्रैक करना है, और कभी कट ऑफ के बारे में सोचना नहीं, कभी ये नहीं सोचना कि कितनी मिस्टेक पे लास्ट सिलेक्शन हुआ था, कितनी मिस्टेक कर रहे हैं स्टूडेंट, क्या हो रहा है आसपास, कौन तैयारी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किससे हो पा रहा है, किससे नहीं हो पा रहा। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक मतलब जीने की हैबिट डालनी होगी आपको इस एग्जाम के होने तक। तो इतना आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा कि मैं कर सकता हूं, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे आज मैं कहीं भी स्टैंड कर रहा हूं, हाँ मुझे शॉर्ट एंड आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी हम सोचे कि आज मैं स्टार्ट करके 120 WPM का 4-6 महीने में एग्जाम क्रैक कर लूंगा। तो प्रैक्टिकल बात पे हम बात करेंगे, मतलब ऐसे कोई तुकबंदी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप समझिएगा कि कौन कौन स्टूडेंट इस चीज को क्रैक कर सकता है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो पहला जो पॉइंट है, अगर ये आपके अंदर क्वालिटी होगी तभी आप इसको क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप 120 WPM को क्रैक कर लें। दूसरा एक बेसिक सी चीज है कि अगर आप अभी तक पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 120 WPM पे पेंसिल नहीं चलती है। 10 मिनट की डिक्टेशन में ना तो आप पेंसिल को बदल सकते हैं कि आपने इधर से भी शार्प कर रखी है, दूसरी तरफ से भी शार्प कर रखी है, आप सोचे कि लिखते लिखते मैं बदल लूंगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 10 मिनट की डिक्टेशन में ना तो एक साइड की पेंसिल काम करती है। अगर अभी तक आप पेंसिल से लिख रहे हैं तो अपनी हैबिट को चेंज कर लीजिए,
पेन यूज करना अभी से शुरू कर दीजिए, तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ओमिशन ऑफ वॉवल्स। अगर आप हर एक आउटलाइन को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं मतलब जितनी भी आज तक मैंने वर्ड सुने हैं या मैं सुनूंगा, हर आउटलाइन को मैं वॉवल लगा लगा के अलग कर लूंगा, तो आप कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ा पाएंगे। आप अटके रहेंगे कि ये वॉवल है, यहाँ ये वॉवल लगा लूं, वहां वो वॉवल लगा लूं। जब तक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के ओमिशन ऑफ वॉवल्स पे नहीं आएंगे, वॉवल्स को जितना मिनिमाइज कर सके अभी से करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप अभी से अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर लें। क्योंकि 120 WPM पे अगर आप कोशिश करेंगे वॉवल्स लगाने की, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। लगा लेंगे आप कहीं कहीं, कुछ कुछ लगा लेंगे, बट आप बहुत ज्यादा वॉवल्स का यूज कर रहे हैं, तो अभी से थोड़ा सा चेंज ले आइए उसमें। ये एक मैं आपको बहुत खास पॉइंट बता रहा हूँ। चौथी चीज क्या है, यूज ऑफ ज्वाइनिंग्स। देखिए, अभी तक जितनी बार भी ये एग्जाम हुआ है उसमें लीगल डिक्टेशन आई है, और लीगल डिक्टेशन में फ्रेजेस और ज्वाइनिंग्स इतनी कमाल की होती हैं, इतनी लाजवाब होती हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ गई, आपको समझ में आने लगा सेक्शन कौन सा, जैसे ही दो चार लाइनें बोलती है ना, वैसे ही समझ में आने लगता है लीगल डिक्टेशन का कि अब किस बारे में बात होगी। सपोज करो 125 का सेक्शन चल रहा है मेंटेनेंस का, तो अगर दो चार लाइनें बोल दी ना, तो हम वहीं से कैच कर लेते हैं कि अब जो डिक्टेशन चलेगी वो इस फ्लो में चलेगी, अब ये वर्ड आएंगे, जो जो चीजें चलती है फटाफट बहुत स्पीड से वो चीज चलने लगती है। हमारे माइंड का बैलेंस एक बहुत जबरदस्त हो जाता है अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो वो कैसे होता है कि बार बार रिपीट होने वाले वर्ड्स, जो फ्रेजेस हैं, ज्वाइनिंग्स हैं, उनकी बहुत हम लाजवाब प्रैक्टिस करें, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के हर एक सेक्शन हमें समझ में आना चाहिए, चाहे वो हम कहें कि क्रिमिनल का हो, चाहे वो सिविल का हो, चाहे कोई भी हो, हमें समझ में आना चाहिए, तब हम अपने उसकी जो डिक्टेशन है लीगल डिक्टेशन को बहुत बढ़िया से लिख पाएंगे। तो ये पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या है, थोड़ा सा अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए अभी से प्रैक्टिस करने लग जाइए, थोड़ा योगा करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ी वॉक करें, थोड़ा सा अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें, थोड़ा सा सात्विक भोजन की तरफ जाएं, तामसिक भोजन को थोड़ा सा साइड पे करें, ताकि आपका जो माइंड है एकदम शांत हो जाए, एकदम लिखते टाइम कहीं भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कहीं भी कोई ऐसी थॉट माइंड में ना आए। वो कैसे होता है, जब हम अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। स्टेबिलिटी कहाँ से आती है, जब हम इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको शॉर्ट एंड से हटके भी कुछ चीजें हमेशा ऐसी शेयर करने की कोशिश करता हूँ जिसके बारे में कोई शॉर्ट एंड के चैनल पे कभी बात होती नहीं है। तो ये मेरा प्रयास है, ये मेरे पर्सनल जो अनुभव है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सिक्स पॉइंट, डेली आपको दो ट्रांसक्रिप्शन मिनिमम करनी है। 120 WPM, 10 मिनट, 1200 वर्ड, एग्जैक्ट टाइम लगा के। अगर आप कहीं ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, जैसा भी आप कर रहे हैं, या खुद से कर रहे हैं, जैसा भी आप कर रहे हैं, टाइमर होना चाहिए, बिना टाइमर के मत कीजिए, ठीक है। उससे अलग जो आप लिखते हैं डिक्टेशन, कितनी भी लिख रहे हैं, कोशिश करिए उनको रीड आउट आप कर लें। ऐसा मत करिए कि दिन में दो ही डिक्टेशन लिखिए, उसमें से एक ट्रांसक्रिप्शन होगी, कभी नहीं हुई। एक अभी से अपनी हैबिट बना ले, क्योंकि जब भी हाईकोर्ट की वैकेंसी आती है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही रहते हैं कि उनका एग्जाम टाइमली हो जाता है, बहुत ज्यादा डिले नहीं होता है। तो अभी से इन चीजों को आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और एक हैबिट और बना लीजिए, सेवन पॉइंट है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बना लीजिए। उसमें से आप थोड़ा सा हाफ एन आवर, 1 आवर उसकी रीडिंग पे लगाएं, ताकि आपको नए वर्ड आपकी वोकैबुलरी में आए, आपको पता लगे कि जब डेली जो इंसिडेंट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रिलेट करते हैं लीगल डिक्टेशन से। कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई NDPS का केस पकड़ा गया, कहीं कोई एडल्ट्रेशन का केस आ गया, तो ये सारी चीजें न्यूज़पेपर में, कहीं कोई क्या कह सकते हैं, ब्राइब का कोई केस हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। डेली बेसिस पे हम नए नए वर्ड, कोई डकैती होगी, कोई मर्डर हो गया, मतलब हमें कोई न्यूज नहीं पढ़नी है, ये हमारे लिए कोई पार्ट नहीं है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। हमारे लिए ये पार्ट है कि हम कुछ सीख रहे हैं, हमारी वोकैबुलरी बढ़ रही है, हमारे वर्ड्स बढ़ रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए न्यूज़पेपर का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए। अंडरस्टैंडिंग कैसे इम्प्रूव होती है, जैसा कि हमने पिछले भी एक उस पे पॉइंट पे बात की थी
कि आप हर एक आउटलाइन को अलग करने का प्रयास करने की बजाय आप कोशिश करें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। सपोज करो कि मैं जब डिक्टेशन लिखता हूं, अगर मैंने 500 वर्ड लिखे हैं तो मुश्किल से उसमें दो चार वर्ड्स पे ही वॉवल होगा। हम कई बार कोशिश करते हैं कि हम ईडी के लिए भी कट लगा लें। अगर कोई देखिए, जितनी भी डिक्टेशन चलती है लीगल, अगर डिक्टेशन आपके एग्जाम में आती है जो कि चांसेस ज्यादा रहते हैं, उस डिक्टेशन में मैक्सिमम चांसेस यही है क्योंकि केस पास्ट में हो चुका है तभी उसकी कोई जजमेंट आई है। इट मीन्स क्या है, जितनी भी लीगल जजमेंट्स होती है मैक्सिमम किस में चलती हैं, मैक्सिमम चलती है पास्ट टेंस में, क्योंकि बार बार वही बात रिपीट हो रही है कि जो केस हो चुका है, जो झगड़ा हो चुका है, जो मर्डर हो चुका है, जो डकैती हो चुकी है, जो रोबरी हो चुकी है, जो भी केस हो चुका है पास्ट में उसी के ऊपर बात हो रही है। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, केस किस तरह से चलता है, क्या उसमें चीजें आ रही हैं, किस किस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, कौन से सेक्शन में किस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो ये कैसे होगा, जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे ये तब पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, डू नॉट रन बिहाइंड द आउटलाइंस। क्योंकि हम क्या करते हैं, ये क्या लिख दिया, ओहो ये क्या लिख दिया, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन पे फोकस कर रहे हैं, हमारी सेंटेंस मेकिंग पावर उतनी इंप्रूव नहीं हो रही है, अंडरस्टैंडिंग उतनी इंप्रूव नहीं हो रही है। हर एक वर्ड को हम वावल लगा लगा के अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वावल मत लगाइए, उसको मिनिमाइज करिए, कोशिश करिए जहां क्लैशिंग ऑफ आउटलाइंस होता है वहीं पे वावल लगाने का प्रयास करें। जब आप ये अभी रूटीन में करेंगे तभी एग्जाम में पॉसिबल हो पाएगा। आप सोचेंगे कि एग्जाम की डेट आएगी तब करूंगा, जब इस एग्जाम के लिए मैंने फॉर्म भरा था लगभग 6 महीने, मैं लगभग 6 घंटे लाइब्रेरी में था अपनी जॉब के साथ। दिस वाज माय रूटीन, और किसी को नहीं पता होता था। मैं घर पे आ रहा हूँ, कुछ खा रहा हूँ, कपड़े चेंज करके फिर से लाइब्रेरी जा रहा हूँ। मतलब आप जो भी व्यवस्था है आपकी पढ़ने की, जहां भी जैसे भी क्लास है, जो भी चीजें आप कर रहे हैं उनको इतनी ईमानदारी से करिए कि आपको आउटलाइन के पीछे ना भागना पड़े। जो भी आप लिख दें, एक कमाल की आउटलाइन हो, एक बहुत नीट एंड क्लीन आउटलाइन हो, अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, सारी चीजों का आप समावेश करेंगे तभी आप ये एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो बहुत डीप डीप बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। और प्रोनंसिएशन, जितनी भी प्रोनंसिएशन की डिक्टेशन आप लिख सकते हैं, डिफरेंट 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 प्रोनंसिएशन की डेफिनेटली आपको लिखनी चाहिए। अगर आप कहीं ऑफलाइन क्लास में इन्वॉल्व हैं, ऑनलाइन क्लास में इन्वॉल्व हैं, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा प्रोनंसिएशन की डिक्टेशन लिखने की। क्योंकि कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास लेते हैं, वो एक पैटर्न है कि हमारी रूटीन बनी रहती है, हम अच्छा कर पाते हैं, हम एक एनवायरमेंट में बैठते हैं, सब कुछ बढ़िया होता है, हमें गाइडेंस मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ आपको खुद से भी थोड़े प्रयास करने चाहिए एडिशनली, कि आपको अलग अलग तरह के डिक्टेशन लिखनी है, अलग अलग प्रोनंसिएशन की, मेल वॉइस फीमेल वॉइस, कोशिश करें कि आप बेहतर से बेहतर कर पाए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं, बहुत डीप पॉइंट हैं, और इन पॉइंट्स पे अगर आपने काम कर लिया तो शुरुआत अभी से होगी, फॉर्म भरने से पहले होगी, एग्जाम का एडमिट कार्ड आने के बाद नहीं होगी ये शुरुआत। अभी अभी ये वीडियो खत्म होते ही कॉपी पेन लेके बैठना है विद इमीडिएट इफेक्ट। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन से कभी भी हमारा भला इतना नहीं हो सकता जितना कि अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है। हम चीजों को समझें, प्रैक्टिकली उन पे काम करें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अंधेरे में मत रहिएगा कि बहुत इजी है, आसानी से कर लूंगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। क्योंकि जब अकाउंट में इतना ज्यादा अमाउंट आता ना सैलरी का, तो आप सोच के देखो कि परिवार की एक मनोस्थिति क्या होती है, खुद की एक मनोस्थिति क्या होती है कि हाँ एक अच्छी रिप्यूटेड जॉब पे जाके मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, क्या मेरी वैल्यू ग्रो हो रही है, क्या मेरा फाइनेंशियली मैं ग्रो कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको फिर आपको मोटिवेट करेंगी, फिर आप बहुत कुछ कर पाएंगे अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट तभी कर पाएंगे जब जेब में दो पैसे होंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे आपको काम करना पड़ेगा। सो अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।